हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल में स्वागत है। मैं अपने चैनल के थ्रू स्पेस से रिलेटेड लेटेस्ट डिस्कवरीज और कॉम्प्लेक्स थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स को सिंपलीफाई करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस चैनल का मेन मोटिव लोगों को स्पेस साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी के प्रति जागरूक करने का है, ताकि वो इस अद्भुत ब्रह्मांड को जान सके और साथ ही साथ उन साइंटिस्ट के काम को अप्रिशिएट कर सके जो इसे जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक गाइज, और आज का टॉपिक है मार्स मिशन 2020। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि इस ईयर अब तक 3 मार्स मिशंस लॉन्च हो चुके हैं, पर एक्चुअली में 4 मिशंस लॉन्च होने वाले थे। जो 3 मिशंस लॉन्च हुए हैं वो नासा, दुबई और चाइना से हैं, और आज हम इस वीडियो में इन्हीं के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में एवरी 26 मंथ्स में मार्स एक ऐसी पोजीशन में होता है जब हम कोई भी स्पेस मिशन अगर मार्स पे लॉन्च करें तो उस ऑर्बिटर मैन्यूवर में सबसे कम एनर्जी यूज होती है, क्योंकि मार्शियन ऑर्बिट 1.9 ईयर्स लेता है एक कंप्लीट रोटेशन करने में सन के अराउंड। तो इसीलिए अर्थ और मार्स एवरी 26 मंथ्स में एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं जब कोई भी मार्स ऑर्बिटर मैन्यूवर काफ़ी इजी हो जाता है और एनर्जी एफिशिएंट भी। और इसीलिए अगर इस समय हम कोई भी मिशन मार्स पे लॉन्च करें तो ये रफली 6 मंथ ही लेगा वहां तक जाने में, और इसी को होमैंस ऑर्बिटल मैन्यूवर भी कहते हैं। अभी तक हमारे पास मार्स मिशन पे जाने का यही एक सबसे अच्छा तरीका है, और इसीलिए इस ईयर में हमने जुलाई अगस्त में इन तीनों मिशंस को सक्सेसफुली लॉन्च होते देखा है। एक्चुअली में इस ईयर में 4 प्रोजेक्ट्स थे मार्स मिशन के। जो फोर्थ मिशन था वो प्लान किया गया था रशिया और यूरोप के बीच, जिसका नाम एक्सोमार्स रखा गया था, लेकिन किसी रीजन के कारण इसको नेक्स्ट पीरियड में लॉन्च किया जाएगा, जो कि होगा 2022 में। ये जो 3 मिशंस लॉन्च हुए हैं ये भी काफ़ी एक्साइटिंग है, और हम इन पे एक एक करके बात करेंगे। जो पहला मिशन लॉन्च हुआ है उसका नाम इमिरेट्स मार्स मिशन है, जिसको होप मिशन भी बोलते हैं, जो कि लॉन्च किया गया था 19 जुलाई को जापानीज स्पेस एजेंसी द्वारा। मिशन का मेन पॉइंट साइंटिफिक है, लेकिन जो मेजर पॉइंट है वो ये कि बेसिकली ये फर्स्ट स्पेस मिशन है एक अरब कंट्री का, और इसीलिए इस मिशन को होप मिशन भी कहते हैं, ताकि ये वहाँ के फ्यूचर जनरेशन को इनकरेज एंड इंस्पायर करे साइंस एंड स्पेस साइंस जैसे करियर को ऑप्ट करने में। और हाँ, ये मिशन सिर्फ सिम्बॉलिक ही नहीं है, ये काफ़ी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी करेगा वहाँ पे, और ये एक फर्स्ट ट्रू वेदर सैटेलाइट बन जाएगा मार्स का अगर ये मिशन सक्सेस रहा तो। ये वहाँ के ऑर्बिट में जाके 2 साल तक मार्स के वेदर और वहाँ के क्लाइमेटिक चेंज की स्टडी करेगा, जिसमें ऑफकोर्स डस्ट स्टॉर्म्स और पोटेंशियली अनडिस्कवर्ड फेनोमेनन्स भी शामिल होंगे। और जो मेन साइंटिफिक मिशन होगा वो ये कि क्यों मार्स इतना सारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन लूज करते जा रहा है अपने एटमॉस्फेयर से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आखिर मार्स पे ऐसा क्या हुआ कि ये इतने ड्रामेटिक क्लाइमेटिक चेंज में चला गया। दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि अर्थ में क्लाइमेटिक चेंज किस एक्सट्रीम तक जा सकता है, और मार्स की स्टडी करके हम उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस मिशन का वो ये कि जो भी डाटा ये गेन करेगा वो सभी को एसेसेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये सारा डाटा खुद के पास रखेंगे और किसी साइंटिफिक लिटरेचर में पब्लिक करके ये कहेंगे कि हमने पहले इन सब फिनोमिनन्स को डिस्कवर किया। ये मिशन एक इंटरनेशनल कोलेबोरेशन टाइप ऑफ इन्वायरमेंट बना रहा है, और ये फ्यूचर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस एंड डिस्कवरीज के लिए एक बिग रोल प्ले करेगा। इस मिशन में जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं वो इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एंड विजुअलाइट कैमराज होंगे, जो कि मार्स सरफेस से डाटा कलेक्ट करेंगे। सो लेट्स होप कि ये मिशन सक्सेसफुल रहे। तो अब हम बात करते हैं दूसरे मिशन की, जो कि बिल्कुल अपोजिट है पहले मिशन से, क्योंकि इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। यहाँ तक कि इस मिशन के लॉन्च के बारे में हमें कुछ ही वीक पहले पता चला, और ऑफकोर्स ये चाइना है। इस मिशन का नाम ताइवान 1 है। इस मिशन में एक ऑर्बिटर होगा जो कि मार्स को ऑर्बिट करेगा, और साथ ही साथ एक रोवर भी होगा जो कि मार्स पे लैंड करने की कोशिश करेगा और उसके सरफेस को एक्सप्लोर करेगा। और क्योंकि ये चाइनीज स्पेस एजेंसी का पहला मिशन है मार्स लैंडिंग का, सो इसके फेल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा कि अगर ये मिशन फेल हो गया तो ये चाइना के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के इमेज के लिए और ज़्यादा खराब होगा। एक्चुअली में चाइना यहाँ पे दुनिया को ये प्रूफ करना चाह रहा है कि अब वो एक नया सुपर पावर बन गया है, और इसीलिए शायद इस मिशन को एक ओवर स्ट्रेच मिशन भी बोला जा रहा है, जो कि गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर हिस्ट्री को देखें तो ना जाने हमें कितने फेलियर्स दिखते हैं। स्पेशली अगर हम मार्स लैंडिंग की बात करें तो अक्टूबर 1960 से बहुत से मिशंस अटेम्प्ट किए गए हैं मार्स पे लैंडिंग के यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के द्वारा, और आप देख ही सकते हैं कि उनमें से कितने ही पूरी तरह से फेल हो गए। सोवियत यूनियन की तरफ से तो ना जाने कितने अटेम्प्ट्स किए गए, और उनमें से एक ही एक्चुअली में लैंड कर पाया मार्स पे, जिसका नाम था मार्स 3 लैंडर, लेकिन ये भी कुछ ही सेकंड तक रहा और फिर कम्प्लीटली फेल हो गया। मार्स पे अभी तक सिर्फ नासा ही सक्सेसफुली लैंड कर पाया है, वो भी बहुत बार फेल होके, इसलिए यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। रशिया का एक सबसे रिसेंट फेलियर 2011 में फोबोस ग्रैंड लॉन्च था, जिसमें चाइनीज सैटेलाइट भी शामिल था।
वैसे देखा जाए तो एक तरह से रशिया पे किसी तरह का कोई श्राप है, इसलिए शायद वो कभी लैंड नहीं कर पाया। और सिर्फ रशिया ही नहीं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी कई बार फेल हुई है। इन सबसे आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि मार्स पे लैंड करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे लैंड करने में बहुत से ट्रायल्स और बहुत से अटेम्प्ट्स लगते हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको फेलियर के लिए रेडी रहना पड़ता है इस तरह के मिशन में, क्योंकि यहाँ सक्सेस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। अगर चाइना सक्सेस होता है तो ये उनके लिए एक ह्यूज अचीवमेंट होगा, बट सक्सेसफुल होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ही कम है। इसलिए पर्सनली मेरा ओपिनियन यहाँ पे ये है कि ये एक बैड आइडिया है इस मिशन को इतना आइसोलेट होके करने का, क्योंकि इस वक्त चाइना कोई बैड पब्लिसिटी नहीं करना चाहेगा। खैर, ये मिशन ऑलरेडी 23 ऑफ जुलाई को लॉन्च हो चुका है और ये मार्स पे लगभग अगले साल पहुंच जाएगा। और इसका मेन मिशन होगा मार्स पे पास्ट और करंट लाइफ का एविडेंस फाइंड करना एक स्कैनर की हेल्प से, जो कि रोवर में इंस्टॉल्ड होगा, पर हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। ठीक वैसे ही जैसे चाइना का लूनर रोवर जो कि करंटली एक्सप्लोर कर रहा है फार साइड ऑफ द मून। और क्योंकि चाइना कुछ भी शेयर नहीं करता तो हम इस मिशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। चाइना शायद लैंड करने के लिए एयरबैग टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट मैन्यूवर है। सो स्टैटिकली चाइना के सक्सेस का चांस बहुत कम है, पर अगर उन्होंने इसे किसी तरह पुल कर लिया तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही एक्साइटिंग मिशन होगा, सिर्फ चाइना के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि टेक्निकली वो एक कम्युनिस्ट कंट्री के कर्ज को तोड़ देंगे अगर वो सक्सेसफुल रहते हैं तो। अब यहाँ पे हम जो लास्ट मिशन की बात करेंगे वो है नासा का परसेवेरेंस रोवर, जो कि अब तक का सबसे एम्बिशियस मिशन होगा जो कि अटेम्प्ट किया जाएगा। 2012 में जो क्यूरियोसिटी रोवर लॉन्च किया गया था उसमें सोलर पैनल था पावर सोर्स, पर इस प्रिजर्वरेंस रोवर में न्यूक्लियर एनर्जी होगा पावर सोर्स, जिसको कहते हैं आरटीजी। आरटीजी इस रोवर को कम से कम 14 साल तक सर्वाइव करने में हेल्प करेगा, मे बी उससे ज़्यादा। हालांकि करेंटली इस मिशन का प्रोफाइल फिलहाल 2 साल का ही है, पर प्रोबेबली ये इंक्रीज होगा। इस रोवर का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है मेरे लिए वो ये कि इसमें एक हेलीकॉप्टर भी होगा, और ये हेलीकॉप्टर टेस्ट करेगा मार्स पे पोटेंशियल फ्लाइट्स की पॉसिबिलिटीज़ को और उसके डिफरेंट थ्योरीज एंड आइडियाज़ को मार्स के सरफेस एंड एटमॉस्फेयर में। भले ही ये आइडिया क्रेजी लगे, पर इसको थ्योरेटिकली टेस्ट एंड रिटेस्ट किया जा चुका है सेम कंडीशंस प्रोड्यूस्ड करके हमारे प्लैनेट्स पे। ये हेलीकॉप्टर परसेवेरेंस रोवर के अराउंड एरियाज को स्कैन और स्काउट करेगा और डिफरेंट सैंपल्स कलेक्ट करेगा स्टडी के लिए। एक्चुअली में प्लान ये है कि ये जो सैंपल कलेक्ट करेगा उसको फ्यूचर मिशंस में रिट्राइव किया जाएगा अर्थ पे सेंड करके। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक मिशन है जिसमें सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और फिर दूसरे मिशन में उस सैंपल को रिट्राइव किया जाएगा, प्रोबेबली कुछ सालों बाद। यहाँ पे हेलीकॉप्टर ही नहीं, रोवर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें काफ़ी डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स अटैच हैं। इसमें 23 डिफरेंट कैमरास और 2 माइक्रोफोन्स हैं, और एक बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट भी है जो ये कंडक्ट करेगा, जिसका नाम है मार्स ऑक्सीजन ISRU एक्सपेरिमेंट, जिसका मेन पर्पस मार्स पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना है वहाँ पे प्रेजेंट अवेलेबल मटेरियल से। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए मार्स के कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता है तो इसको हम बड़े स्केल पे यूज़ कर पाएंगे फ्यूचर मिशंस के लिए, जहाँ पे ह्यूमंस उस मार्शियन एटमॉस्फेयर को यूज़ कर पाएंगे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए। इस रोवर में पावरफुल ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार भी प्रेजेंट होगा, जो कि अंडरग्राउंड वाटर डिपॉजिट्स और वेरियस साल्ट्स को ढूंढ सके, जो कि फ्यूचर ह्यूमन मिशंस में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसमें और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मेजर करेंगे मिनरल्स एंड मटेरियल्स को मार्शियन सरफेस पे। इस मिशन का एक्चुअल पर्पस स्काउट और एक्सप्लोर करने का है फ्यूचर मार्स मिशन को हेल्प करने के लिए। सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये मिशन वहाँ पे कोई लाइव सर्च करने का नहीं है चाइना के जैसे, पर एक्चुअली में इसका एक्चुअल मिशन ये देखने का है कि क्या मार्स हमारे लिए पोटेंशियल प्लेनेट बन सकता है या नहीं सर्वाइविंग के लिए, कि क्या ह्यूमंस वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं, कि क्या हमारा ह्यूमन मार्स मिशन सक्सेस होगा या फिर हमें उसे कैंसिल करना पड़ेगा। और इसीलिए ये मिशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस मिशन के सभी एक्सपेरिमेंट्स प्रोबेबली साइंटिफिक कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे और हमें ये समझने में मदद करेंगे कि क्या ह्यूमंस एक्चुअली में एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल बन सकते हैं या फिर नहीं, और क्या हम अपनी कॉलोनीज वहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं या नहीं। अगर ये मिशन फेल होता है तो आई गेस हमें फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। प्रोबेबली ये सभी मिशंस फरवरी और मार्च तक अपने अपने डेस्टिनेशन पे आ जाएंगे और अपने अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे, और मे बी तब हम इस मिशन के बारे में फिर से बात करें। रही बात इन मिशन के सक्सेस या फेलियर की, तो होपफुली सभी सक्सेस हो और हमें कुछ नया जानने को मिले। लेकिन अगर ये सभी फेल हो गए देन आई गेस नेक्स्ट टाइम, क्योंकि सक्सेस वही मेंटेन करते हैं जो कोशिश करते रहते हैं। सो ऑन दिस नोट मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के स्पेस डिस्कवरीज और मिशंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।